नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशीष उपाध्याय कृषि निगम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि रबी सीजन आ चुका है और इसकी तैयारी जोर शोरों से हमारे किसान भाई कर रहे हैं, इसी दिशा में हम आज गार्लिक की बात करेंगे, लहसुन की खेती कि वो कैसे करते हैं, जो कि एक बहुत ही औषधीय पौधा है और औषधीय वेजिटेबल में आता है और उसकी तमाम दवाइयाँ बन रही हैं और लोग उसको कमर्शियल क्रॉप के रूप में यूज कर रहे हैं। तो इसकी वैरायटी के बारे में बात करें तो PG17 यमुना सफ़ेद में कई सीरीज आ रही है हमारी, और उसमें G1, G20, G50, G282 और G323 ये सीरीज आ रही है यमुना सफ़ेद की वैरायटी, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, जिसकी बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी पैदावार और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है किसानों के खेतों में, और जो कि 165 से 170 दिन में तैयार हो रही है और जिसकी उपज जो है 50 से 55 कुंतल पर हेक्टेयर किसान भाई हमारे यहाँ ले रहे हैं। इस तरह से यमुना सफ़ेद की जो वैरायटी है G1, G50, शायद G282 हो, G323 हो, इसको आप ज़रूर से ज़रूर लें और रजिस्टर संस्था से लें, जो कि दुकान लें, वहाँ से सीड का टैग जरूर चेक करें, टैग करके खरीदें, उसमें जनरेशन परसेंटेज और भी लॉट नंबर सब कुछ चेक करके आप जरूर लें और जिस सीरीज की वैरायटी को लगाएं, और खेत लगाने के पहले खेत की तैयारी अच्छे तरीके से करें, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए लहसुन के खेत के लिए, इससे कि जमाव में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से एक वैरायटी और आपको बताना चाहूँगा, यमुना सफ़ेद 5 जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत ही अच्छी पैदावार है इसकी, क्योंकि 68 से 72 क्विंटल पर हेक्टेयर पैदावार आ रही है। तो किसान भाई, ये गार्लिक के लिए हम आपको उनके बीज के बारे में, उनकी क्या गुणवत्ता है इसके बारे में बता रहे हैं। बड़े दाने होते हैं यमुना सफ़ेद 5 के, बड़े दाने, पत्तियां भी बहुत चौड़ी होती हैं इसकी, जो पत्तियों का भी लोग आज लहसुन की पत्तियों का भी लोग बड़े अच्छे से प्रवेश कर रहे हैं, उसको लोग सब्जी में, साग में यूज करते हैं। इस तरह से आप इन वैरायटियों का चयन करें और वैज्ञानिक रूप से खेती करें लहसुन की, ये मेरा आपसे निवेदन है। और कृषि नेटवर्क माध्यम से आप जुड़े रहिए, हमारे यहाँ जो भी पोस्ट आती है कृषि से उसको देखें जरूर, एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे माध्यम से जुड़े रहें। कृषि नेटवर्क आपको इस तरह से सभी क्रॉपों के बारे में जानकारी देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।